हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाइड्रोलिक पंप की ऑयल सील कैसे चेंज करते हैं वो आपको दिखाएंगे। पंप के खोलने से लेकर पंप की असेंबली तक। तो पहले पंप खोलेंगे, तो पंप खोलने के लिए आप आइए। अभी ये पंप हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है ना। अपने पंप को यहाँ से मशीन से हटा लिया, ये मोटर है और ये पंप है। तो पंप को पहले हम ओपन कर रहे हैं और पंप को करके फिर इसकी सील निकालेंगे पंप से, ठीक है ना। पहले पंप को हम मोटर से अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पंप हमारा मोटर से अलग हो रहा है, चारों बोल्ट खोल दिए। अब खोल देखो, पंप को हम जो है ना, ये मोटर है और ये पंप है। तो मोटर से पंप को अलग करेंगे तो यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। मार्क करना बहुत जरूरी होता है, दोबारा फिट करने में बहुत आसानी होती है, तो मार्क करना बहुत जरूरी है। तो पहले मार्क कर, मतलब हमको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, बस आइडेंटिफाई हो जाए कि ये हमारा मार्क हो गया, ठीक है ना। हो गया मार्क, हो गया। देखो दिख रहा है ना मार्क, ये इसका मार्क है, यहीं पे इसको हम फिट करेंगे। ये मार्क हटेगा नहीं, स्क्रैच हो गया, ठीक है। हाँ थोड़ा सा क्या एग्जाम हो गया था, ये देखो। अब ये हमारा पंप बाहर आ गया, तो सील चेक कराओ जो खराब हुई है ना, जिससे लीकेज था। तो एक बार ये देखो सील, ये ओरिंग। अब ये हमारी देखो दब गई, अब देख रहे हो ना, कटी कट गई यहाँ से, दब के ना कट गई, देख रहे हो आप यहाँ से कटा हुआ। रिंग ही खराब है, और भी कुछ खराब है इसमें, और भी होगा शायद, देख ना। बदला था इसमें, सील भी निकाली। ये तो पंप का काम करते हैं, ये तो पंप है, निकालो जरा इसको, निकालो। ये यही तो मेन है ना, लोब मेन, ये मेन, ये ये और ये दोनों, ये पंप किट है, ये आउटर है, ये पंप की किट है ना, आउटर लोब है और ये इनर। देखो ना ये लोब, ये पंप की किट है। इसके ना मुझे लगता है आगे से भी कुछ बदला है ना, यहाँ भी है सर, यहाँ भी खोलेंगे ना, इसमें सील आएगी तो रंग है ये, बात नहीं बनेगी। हाँ ये पूरा ये खोल लो एक बार यहाँ से, ये यहाँ से ना, हाँ ये सील है ना, ये देख रहे हो ना आप, ये ठीक है ना। तो इसके होने से हमारा लीकेज स्टार्ट हुआ है ना। तो अब ये हम इसको रिप्लेस करेंगे, निकाल के ये सीलें चेंज होंगी, ठीक है ना। तो पेच का चलाओ जरा और इनको निकालो। ये मोटर की शाफ्ट है, ये भी थोड़ा हटा हुआ होगी, तो लीकेज ना यहीं से होता है, इस से निकलती है, ये देख रहे हो ना, ये इसी के लिए है। अगर सील कट जाए तो तेल निकले तो यहाँ से निकल जाए, मोटर के अंदर ना जाए, इसी के लिए। ये देखो गैलरी बनाई हुई है, ये गैलरी और ये दो गैलरी, ये ऑयल को नीचे निकलता है, तो इसी से ऑयल टपकता है नीचे। आ रही है? आए जी, आ गई। एक तो ये सी और भी है ना, हाँ हाँ पूरी सी सेट है ना, हाँ पूरा सेट है इसका, ये देख लेना किधर से। तो थोड़ी सी हैमर का इस्तेमाल कर लो ना, हल्का हल्का हाथ की बजाय है, बिल्कुल फट रहा ना, ये स्टेप है। ये क्या है कि गर्म होके ना चिपक गई है, हीट होके। कितने आगे, तीन आगे, आया आया आगे आगे आगे। ये सील यहाँ से निकाल दी,
ये सील का काम क्या है स्पेशली बताओ? केवल तेल को लीकेज होने से, ये ऑयल को लीक होने से रुकेगी। तो ये सेक्शन मोटर की साइड का सेक्शन है। अब ये हाउसिंग को साफ करके नई सीलें फिर इसमें, ठीक है। अब ये फ्रेंड्स देखो, ये ना सील जाएगी, सील का ये जो स्प्रिंग वाला सेक्शन है ना, ये पंप साइड होना चाहिए, और ये वाला जो सेक्शन है ये मोटर की साइड होगा। तो जो प्रेशर आएगा ना, तो प्रेशर को ये खोल देगा यहाँ से। ये क्या करेगा, प्रेशर का दबाव होगा ना, तो ये ऊपर जाएगा या अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग पड़ी हुई है, और ये दोनों वाइपर काम करते हैं, ये वाला, ये देख रहे हो, ये वाइपिंग का काम करते हैं, ये वाला, ठीक है ना। चलो, इसमें डबल वाइपर है, हैं डबल वाइपर है, इसमें डबल आ जाएगी, है ना, बहुत बढ़िया। डबल एक वाइपर ये भी काम करेगा, ऊपर वाला एक नीचे वाला, तीन तीन भाई, ठीक है। और ये वो ठोक दो, ठोक दो नीचे, जान दो, कर दो, क्या चार है ना टोटल, पाँच, पाँच टोटल डेप्थ कितनी है इसकी, 36 है, 36 है। ये जो सील है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये सील का जो साइज है, आईडी इसकी 30 है, ओडी इसकी 40 है, और इसकी जो डेप्थ है वो 7 है। तो टोटल हमारा 7 के हिसाब से अगर हम देखें, तो हमारा ये कितना डेप्थ कितना है इसका, 36 है, 5 मिनट। तो हमारे इसमें 7×35 है ना, 1 mm की हम डाल देंगे इसमें पैकिंग, 1 mm की, तो 5 तो ये चली जाएंगी 7-7 की, और 1 mm की लास्ट में ये पैकिंग हो जाएगी, ठीक है ना, इससे पैकिंग हो जाएगी, ठीक है। इस पर लिखा होगा, एक बार दिखाओ जरा कहाँ लिखा है, साइज दिखाओ, 30, 40 और 7, साफ दिख रहा है। तो इसका साइज है 30×40×7, 30 का मतलब हो गया आईडी, 40 इसका ओडी, और 7 इसकी, हाँ। क्या चली गई अंदर, एक ये है पंप जो है ना, जो मेन पंप है वो ये है, दो लोड्स, एक इनर है और ये आउटर है। जब हम इनर को आउटर में, इनर जो है रूट करता है ऐसे, देखो ऐसे रोटेट करेगा ऐसे, ऐसे जो अंदर वाला, ये इनर वाला लोब है, ये इसमें रोटेट करेगा, आउटर वाला रहेगा फिक्स। इनर वाला क्या है, साफ्ट में लगेगा, देखो कीवे लटा हुआ है, कीवे दिख रहा है, तो ये कीवे क्या है कि कीवे मोटर की शाफ्ट के साथ ये लग जाएगा लोब, और इसके साथ ये ऐसे करके ऐसे रोटेट करेगा, देखो ऐसे। जब ये रोटेट करेगा तो जो ऑयल है ना, ऑयल को एक तरफ से लेगा और दूसरी तरफ ऑयल को निकालेगा। ये कैसे निकालेगा, इधर देखो, ये पंप है, ये पंप का मेन इधर देखो, यहाँ से ऑयल की जो एंट्री है वो यहाँ से आएगी, दिख रहा है ये, हो ये देखो इधर वाला, ये दिख रहा है, यहाँ से ऑयल की एंट्री होगी और इधर को ऑयल निकलेगा इस साइड में, इस साइड में दिखा दो जरा ऐसे, अब दोनों दिख रहा होगा आपको, गौर से दिखा दो एकदम, देखो आप परफेक्ट वे में, इधर ऑयल की एंट्री है यहाँ से, ये देख रहे ना, और इधर से ऑयल बाहर निकलेगा। तो जब हम इसको डालेंगे अंदर, तो जैसे मान लो मैंने ये डाल दिया, अब इधर देखो, इधर देखो डाल दिया, देखो यहाँ पे ऑयल, यहाँ से ऑयल आएगा इधर से, ठीक है, और यहाँ से ऑयल निकल के इसमें ऑयल जाएगा, इसमें यहाँ पे ये हो, यहाँ से जब ऑयल आएगा और इधर को जाएगा, तो जब ये मोटर के साथ अगर हम नॉर्मल चलेगा तो उसमें प्रेशर नहीं होगा, तो इसमें प्रेशर देने के लिए क्या होगा कि ये जो है ना इनर वाला, इनर वाला लोब जब हम इसमें डालेंगे, देखो आप इनर वाला देख रहे हो, इनर वाले को हम इसमें डाल देंगे, डाल दिया, अब देखो ये जो है घूमेगा ना, जहाँ से जो मैंने बताया था इधर से तेल लेगा, जैसे मैंने आपको जैसे बताया था इधर से ये ऑयल लेगा,
मानो ये लगा दिया मैंने और इसको डाल दिया। अब ये इधर से ऑयल लेगा, ऑयल लेके क्या करेगा, इसको रोटेट करा के और इधर को ऑयल को ये छोड़ेगा, देख रहे हो। तो इधर तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इधर तो नहीं आएगा, तो ये पॉकेट है ना, इस पॉकेट में ले, यहाँ डिलीवर किया, फिर ये चला, फिर ये चला, फिर यहाँ से फिर ऑयल लिया। तो ऐसे करके ऑयल लेके इधर से ऑयल लेगा और इधर को ये ऑयल को आगे इस वाले सेक्शन में, इस वाले में यहाँ पे ऑयल को ये देंगे। तो इस तरीके से ये लो वाले पंप होते हैं, गियर पंप में ही आते हैं ये, और लो प्रेशर के लिए इनका यूज हम करते हैं। तो अभी इसमें सील लग रही है, सील फिट होने के बाद फिर ये पंप लगाएगा। तो अभी इसमें जो लीकेज था वो ये पंप का डिटेल है, तुषाको पंप है ना, आगे देखो क्या लिखा है, ये पंप का पूरा डिटेल है। हाँ, ये घिस गया थोड़ा, तो एक बार जो है ना पूरा डिटेल यहाँ पे सामने अभी हम देख लेंगे इसको, ठीक है ना। अभी असेंबली होती है, फिर हो गया यहाँ तक। तो ये चार सील कंप्लीट जा चुकी ना, हाँ जी, पांच चार के बाद ये क्या है, स्पेसर दे दिया 1 mm का, क्योंकि 4-7 mm की एक सील है, तो 728 और 29 और 7 ही हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा टोटल। तो 36 का ही ये स्लॉट था, तो 36 के लिए इसमें टोटल ये कंप्लीट आ जाएगा। तो 5 सील और 1 mm का स्पेसर, ये टोटल हमारा हो गया। इसमें 5 सील लगी है और 1 mm का एक स्पेयर, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। वेरी अब ये सील का जो सील आपकी जांच हुई है, ठीक है ना, दबाता चला जाएगा। हाँ, तो ये लास्ट हमारा फाइनल हो गया, ओवर रहना चाहिए। हाँ, ये रिंग भी जो है नई डाल दी है ना, पहले पुरानी थी, सही आ गई। किस साइज की रिंग है ये? 64-7.5 mm जाने की हो गई, 64-71 की, 64-71 ये ओवर होनी चाहिए ना हमारी, ओवर है। और ये जो बोल, हाँ जी सर, अब ये फिटिंग हो रही है, लगा दिया। अब इसकी फिटिंग जो है ना, यहाँ पे कीवे के साथ ये फिट कर दिया, इनर लोब है ना। हाँ, ये कीवे लगाई है हमने। हाँ, कीवे, ये देखो कीवे। अब इसको फिट कर देते हैं, ठीक है, कर। हैमर है ना, हैमर ले लो, हल्का सा यूज कर लो।